नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं हम, इसे हम लेक्चर नंबर 3 कहेंगे, जिसमें मैं आपको सुपर पोजिशन ऑफ वेव इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है HSC बोर्ड के लिए स्पेशली मैं पूरे कवर करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने क्या क्या सिंपल बता देता हूँ आपको, मैंने टारगेट बुक से जितने भी क्वेश्चन होंगे पॉसिबल उस सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ओके। चलो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं अभी। अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वे ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है बच्चों, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। कभी पूरा क्वेश्चन एक साथ मत पढ़ना, आधा क्वेश्चन पढ़ो, एक लाइन पढ़ो और गिवन डेटा लिखो फटाफट। 5 हर्ट्ज इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ओके। विथ वेलोसिटी ऑफ द वेव दिया गया है कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड, ओके। कैलकुलेट प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट मतलब क्या हो गया बच्चों आपका, प्रोपेगेशन कांस्टेंट मतलब आपका के, के का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/λ। जब भी आपको जो भी क्वांटिटी फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला तुरंत वहीं पे लिख दिया करो, उससे फट से क्लैरिटी आती है। एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव Δ5, फेज डिफरेंस का एक ही फॉर्मूला है बच्चों, दैट इज 2π/λ, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ये दो फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। कितना टाइम लगा मुझे ये सब लिखने में, ठीक है। और लास्ट में दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि Δx 0.8 मीटर। चलो एक एक निकालते हैं वैल्यू, फिर के को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले के को अगर मुझे सॉल्व करना है तो दिस इज 2π/λ, 2π/λ। वेवलेंथ दिया गया है आपको, नहीं दिया गया है तो वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी बच्चों। वेवलेंथ कैसे निकालोगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्ब्डा इनटू एफ, तो यहाँ से आएगा लैम्ब्डा इक्वल्स टू वी बाय एफ। तो वेलोसिटी कितनी दी गई है आपको, 40, फ्रीक्वेंसी दी गई है 5, तो ये होते हैं 8 × 40, यानी कि 8 मीटर आपका क्या आ गया रे बच्चों, लैम्ब्डा। निकालो अभी के इज 2π/λ, अगेन 2π/λ कितना आ गया बच्चों आपका, 8, π/4, ठीक है, π/4। चलो के का यूनिट बताओ मुझे, के का यूनिट होता है बच्चों पर मीटर, क्या होता है पर मीटर। उसके बाद क्या पूछा है आपको, फेज डिफरेंस दैट इज Δ5, 2π/λ इंटू वाटर Δx। अब एक एक वैल्यू आप ही पुट कर दो, 2π/λ वेवलेंथ कितनी दी गई आपको, वेवलेंथ आपको दी गई है, हमने कैलकुलेट किया था ना वेवलेंथ, तो वेवलेंथ अपनी आई थी 8, और सेपरेटेड बाय कितना डिस्टेंस था 0.8, तो ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 0.2 पाई, तो ये हो जाएगा बच्चों फेज डिफरेंस दैट इज 0.2 ऑटर पाई। इसको भी हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, π/5 रेडियन, किस में आएगा यूनिट इसका, रेडियन में, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान था ये तो, ओके। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।